भाजपा जो है वो अपने पुराने ढर्रे पर ही चल रही है और सोच रही है हम पूर्ण बहुमत में है। अब उनको जाना मजबूरी है जनता के बीच में, कभी किसी पत्रकार को इंटरव्यू न देना, किसी प्रकार के काम न करना, तो उनकी मजबूरी है। ना हुए थे तो 13 सीटों में मात्र 2 सीट भाजपा को मिली हुई थी, और ये कहीं से भी नहीं जीत रहे हैं, न झारखंड जीत रहे हैं, न महाराष्ट्र जीत रहे हैं, और न ही बिहार में जीतेंगे। इनसे पहले जाना चाहिए, जबकि राहुल और प्रियंका वहाँ पर होकर आए हैं, लेकिन इनको तो उससे पहले पहुंचना चाहिए था। और ओबीसी को जब रिजर्वेशन दिया गया तो 2-3 लाख के ऊपर इसकी आमदनी थी, वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता था। जिसमें आप देख सकते हैं मौसम की जो गर्माहट है वो ठंडा हो चुका है, 4 जून से ही गर्मी ठंडी हो चुकी है, और जो 400 पार का नारा था उसको भी आप देख सकते हैं, वो कहाँ 400 पार का नारा दिख रहा है आपको। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में सवाल उठाते आ रहे हैं, फिर वो चाहे वायनाड हो, चाहे वो विपक्ष के जो भी लोगों के मुद्दे हों, सदन में भी लगातार उन्होंने आवाज़ उठाई लोगों के बीच, जान लेते हैं वो कैसे देख रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार विदेश पर भी चिंता जाहिर की, उन्होंने सवाल पूछा, बांग्लादेश पर उन्होंने बात की, कैसे देख रहे हैं, और आज मोदी जी वायनाड चले जाते हैं लोगों से मिलने, इतने दिन से वो नहीं गए, अब इसलिए जा रहे हैं, चुनाव में उनको हार निश्चित दिखाई दे गई, पूर्ण बहुमत में नहीं आए, 400 पार का नारा दिया, जब उनको लगा कि जनता ने हमको लगातार नकार रही, चूँकि कभी भी वो किसी पीड़ित के पास बेरोजगार की बात नहीं सुने हैं, तो अब उनको जाना मजबूरी है जनता के बीच में, कभी किसी पत्रकार को इंटरव्यू न देना, किसी प्रकार के काम न करना, तो उनकी मजबूरी है, नहीं जाएंगे तो फिर तो जनता उनका बुरिया बिस्तर बांधने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, इसलिए जाना मजबूरी है। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में, जिस तरह लोगों की बात रख रहे हैं? देखिए, नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी देश के अब बहुत बड़े नेता बन चुके हैं, और समझिए प्रधानमंत्री का दिन ज़्यादा दूर नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं मौसम की जो गर्माहट है वो ठंडा हो चुका है, 4 जून से ही गर्मी ठंडी हो चुकी है, और जो 400 पार का नारा था उसको भी आप देख सकते हैं, वो कहाँ 400 पार का नारा दिख रहा है आपको। तो दिन प्रतिदिन समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस द्वारा संयुक्त कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूती से कार्य कर रही है, और अपने बातों को, जनहित के मुद्दों को सदन में लगातार उठाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शुक्लेश यादव जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे हैं, और यही बौखलाहट जो भारतीय जनता पार्टी के NDA के नेताओं की है, ये सब आपको दिख रहा होगा। कभी हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कभी हमारे माननीय राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं, किसी भी मुद्दों पर उठाते हैं तो उनकी तकलीफ होने लगती है। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से विपक्ष को इस तरह से टॉयलेट किया जा रहा है, ये सही नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। चुनाव हैं हरियाणा में, जिन राज्यों में भी चुनाव है वहाँ पर क्या लग रहा है, किसकी चांसेस हैं इस बार? अभी हाल में ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है नवंबर में, और समाजवादी पार्टी के भी 2 आमदार हैं, आमदार वहाँ विधायक, तो अभी हम लोग वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। विजय समारोह हमारा, 35 सांसद जो हमारे समाजवादी पार्टी के जीते हैं, तो हम लोगों ने भव्य विजय समारोह वहाँ पे किया, और बहुत दमखम के साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भागीदारी करेंगे। कभी वक्फ बोर्ड जो बिल लेकर आए हैं, जो कानून उस पर किया है, उस पर विपक्ष सवाल उठाता है, SC ST के जो आरक्षण की बात है उस पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार ये सवाल किया जा रहा है कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। आरक्षण तो बिल्कुल ख़त्म, जैसे कि प्राइवेट हर चीज़ को प्राइवेट सेक्टर में करके और सीधी जो भर्तियाँ कर रहे हैं उससे तो पूरी तरीके आरक्षण ख़त्म है, कहीं सब प्राइवेट, अपना लखनऊ में है हम, आज पहले जाते थे तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा दिखता था, आज अडानी एयरपोर्ट लिखा हुआ है, सब उनका सब प्राइवेट है, सारे तरीके से सीधी भर्तियाँ, जिनका मन है रखो, जिनका मन है हटाओ, आरक्षण का कोई मामला ही नहीं है कहीं पे प्राइवेट के कारण। बिल्कुल, आरक्षण और क्रीमी लेयर को लेकर जो जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, क्या ये कोई ये मंशा है भारतीय जनता पार्टी की? लगातार विपक्ष भी इस पर सवाल उठाया है कि आरक्षण खत्म करना चाहती है। जैसे कि क्रीमी लेयर की बात आती है, तो जब OBC को आरक्षण मिला तो उसमें ही क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू कर दी गई, तो क्रीमी लेयर तो ऑलरेडी चल रही है। अब क्रीमी लेयर के मानक
जैसे EWS कोटा इन्होंने दिया 10% दिया और 8 लाख में गरीब माना, और OBC को जब रिजर्वेशन दिया गया तो 2 लाख 3 लाख के ऊपर इसकी आमदनी थी वो क्रिमिलेयर के अंतर्गत आता था। तो क्रिमिलेयर OBC को पहले ही रख के जो है कहीं ना कहीं काटने छांटने का काम किया गया। और जिस प्रकार निजीकरण हो रहा है हर चीज़ का, सेना से लेके अन्य नौकरियों में अग्निवीर जैसी योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से निजीकरण हो रहा है तो आरक्षण तो अपने आप खत्म हो जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की इस मंशा, ये मंशा है जिस तरह से विपक्ष कह रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए अभी भाजपा जो है वो अपने पुराने ढर्रे पर ही चल रही है और सोच रही है कि हम पूर्ण बहुमत में हैं। और अभी ये जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मामला था इसमें बुरी तरीके से वो नायडू जी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, और अब ये मोदी जी एक बिल नहीं पास करा पा रहे हैं, जबकि इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो पता नहीं कितने बिल, लोगों को पता ही नहीं चलता था बिल पास हो जाता था। लेकिन आज बैसाखियों पर चलने वाली सरकार एक बिल पास कराने में नाक को चने चबाना पड़ रहा है मोदी जी को। कैसे देख रहे हैं आपको ये जो चुनाव आने वाले हैं, जिन राज्यों में चुनाव है, एक बार फिर से इंडिया गठबंधन पूरे मजबूती के साथ मैदान में है, एक तरफ NDA गठबंधन, क्या लगता है? देखिए अभी जब उपचुनाव हुए थे तो 13 सीटों में मात्र 2 सीट भाजपा को मिली हुई थी, और ये कहीं से भी नहीं जीत रहे हैं, न झारखंड जीत रहे हैं, न महाराष्ट्र जीत रहे हैं, और न ही बिहार में जीतेंगे। ये तीनों जगह से सरकार फ्लॉप हो रही है, क्योंकि देखिए जनता देख रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन कर रहा है कौन नहीं। जो काम राहुल जी कर रहे हैं वो जो काम मोदी जी को करना चाहिए वो राहुल जी कर रहे हैं। आपने कहा जो काम मोदी जी को करना चाहिए वो राहुल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कल सवाल किया तमाम विदेश के बारे में, बांग्लादेश के बारे में सवाल किया, आज वायनाड पहुंच जाते हैं मोदी जी तो राहुल गांधी उन्हें शुक्रिया कहते हैं। जी 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 भाई, वो प्रधानमंत्री उनको तो इनसे पहले जाना चाहिए, जबकि राहुल और प्रियंका वहाँ पर होकर आए हैं, लेकिन इनको तो उससे पहले पहुँचना चाहिए था। और मतलब राहुल गांधी इतने हावी हो गए हैं कि अब उनकी बात माननी पड़ रही है। बिल्कुल, अरे वो तो पूरा मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं संसद में, आप देख रही हैं कि संसद में वो बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज़ कहते हैं हमारा गला दबा दिया, पाँच घंटे से हम बोल नहीं पा रहे हैं, वो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। और आप वास्तव में देखिए तो संसद में जितना प्रखर रूप से राहुल जी बोलते हैं, राहुल जी और अखिलेश जी दोनों लोग, उतना कोई नेता नहीं बोल पा रहा है। और मोदी जी ने सोचा था कि पुराना विपक्ष होगा जो बोलेगा नहीं, लेकिन आज विपक्ष और मोदी जी के सीटों में 5-6 सीटों के अंतर, 234 इनके पास है, 240 उनके पास है, बाकी तो बैसाखियों की सरकार चली रही है, चाहे जाए आदमी जोड़ लें लालच में। अच्छा, बांग्लादेश से कुछ तस्वीरें आ रही हैं, कहा जा रहा है जो माइनॉरिटी है वहाँ पर खतरे में है, तो मोदी जी तो 56 इंच का सीना है उनका, वॉर रुकवा देते हैं तो वो वॉर क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? देखिए ये जो बांग्लादेश का मामला है ये ऐसा मामला है कि इसमें देखिए चीन है, पाकिस्तान है, कई देशों से ये प्रभावित हो रहा है मामला जो है, और शेख हसीना को तो यहाँ रखे हुए हैं जो उसी पर तमाम ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, इन विदेश नीति वहाँ भी नहीं सही थी और यहाँ की भी विदेश नीति काम नहीं कर रही सही रूप में। अदरवाइज़ सारे मुस्लिम कंट्रीज़ ने मना कर दिया, लंदन ने मना कर दिया शेख हसीना को रखने के लिए, केवल मोदी जी खाम खा बने हुए हैं जो रखे हुए हैं। साफ सुन रहे हैं आप लोगों की बातें, क्या है लोगों के बीच चर्चाएं 2027 को लेकर, जो अभी विधानसभा चुनाव है उनके उसको लेकर क्या लोगों के बीच चर्चाएं बनी हैं, इंडिया वर्सेस NDA। साफ तौर पे लोगों का जो मानना है वो आपने सुना ही है, क्या कुछ है चर्चाएं? फिलहाल तमाम अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ में है तब्बास 4PM के साथ।